ब्राह्मण जी अपना जातिवाद बंद कर दे, ठाकुर साहब अपना जातिवाद बंद कर दे, पटेल जी अपना जातिवाद बंद कर दे, यादव अपना जातिवाद बंद कर दे, हम जब सब जातिवाद में हैं, तो हम अपने वर्चस्व को बर्बाद होते देखेंगे? क्यों देखेंगे? क्या हमारे वोटों की गिनती नहीं है? क्या अन्य जाति के लोग एकमत हो सकते हैं, एकजुट हो सकते हैं, तो हमें नहीं होना चाहिए क्या? राजनीतिक परिवेश में इकट्ठे अब दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जब आपकी पूरी व्यवस्था सिर गिनके है, तो हमारी भी व्यवस्था सिर गिनके होगी। उनकी दावेदारी क्यों नहीं होगी? वो पार्षद क्यों नहीं खड़े होंगे? वो अध्यक्ष क्यों नहीं खड़े होंगे? वो विधायक नहीं? पूरे देश में अब जो है कि पूरे देश में सब लोग जातिवाद को लेकर लड़ रहे हैं। आप अपने जातिवाद को, ठाकुर जी अपने जातिवाद को, पंडित अपने जातिवाद को, सब लोग जातिवाद बंद कर देंगे। हम सबसे पहले जातिवाद बंद कर देंगे, बड़े फक्र से बोलेंगे, हम सुनार हैं, बड़े गर्व से कहिए, हम सुनार हैं। बाबा क्या नाम है आपका? बताते हैं आप क्या? मैं डॉक्टर चंदन कुमार सोनी हूँ। ये मेरी धर्म पत्नी है डॉक्टर रानी दुर्गावती। अच्छा। ये मारवाड़ी कन्या के प्रिंसिपल हैं। जी जी। और मैं उत्तराखंड के टेक्निकल यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार हूँ। अच्छा। मैं बीटेक हूँ। मैं ट्रिपल एमटेक हूँ आईआईटी रुड़की से, एमबीए हूँ, एलएलबी हूँ, डिप्लोमा अच्छा। फ्रेंच जर्मन रशियन हूँ। हाँ। ज्ञाति का स्वर्णकार हूँ। जी, देवरिया मेरी ससुराल है। मेरी छाती में 56 बार राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार मुझे प्रदान किए गए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। देश के 12 केंद्रीय मंत्रियों का, 18 गवर्नर्स, सुप्रीम कोर्ट जजेज, हाई कोर्ट जजेजों का मैं पंडित हूँ। जाति का स्वर्णकार हूँ। मैं देश का सबसे महंगा ज्योतिषाचारी हूँ। मैं जाति का सुनार हूँ। मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। पहली नौकरी कमिश्नर रैंक पे शुरू की, 26 साल से एक जगह उत्तराखंड में शेर की तरह बैठा हूँ। मैं जाति का सुनार हूँ। सुनार समाज जिंदाबाद। मैं जाति का सुनार हूँ और मुझे अपने समाज पे गर्व, स्वर्णकार समाज पर, अपने माता पिता पर, अपने पुरखों पर, अपने समाज के पैसे पर फक्र है। ये देवरिया मेरी ससुराल है, ये मेरी जनकपुरी है, और मैं यहाँ का दामाद या जीजा हूँ। आज जिस कार्यक्रम में हम लोग शामिल हुए हैं, उस पर चर्चा करें। फिर आपने जितने राजनीतिक प्रश्न पूछे हैं, उन हरेक का सटीक उत्तर दूंगा। थोड़ा ये हमें डिस्टर्ब अच्छा, करता अच्छा, है अच्छा 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 सर, थोड़ा दूरी ये हम। जो कार्यक्रम है जी, ये संत नरहरि, जो संत शिरोमणि है जी, ये हैं कौन हमारे जी? यहाँ से चर्चा करें जी, और हम वंशज किसके इसकी चर्चा करें जी। महाराजा अजमीर देव हमारे वंशज हैं, हम लोग उनके वंशज हैं, जितने सुनार हैं पूरे देश में, और ये हमारे आदि गुरु हैं। ये दोनों कार्यक्रम हम स्वर्णकार लोग पूरे देश में मनाते हैं, बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। देवरिया में ये पहली बार आयोजन हुआ, बहुत सफल आयोजन हुआ। पर आप ये पूछिए, करने का उद्देश्य क्या है? इस करने का 3 उद्देश्य है। हम सबल हैं, हम सक्षम हैं, हम पढ़े लिखे हैं, फिर भी हम राजनीतिक हाशिए पर हैं। क्यों है? क्या हम दूसरों का चरण चुम्बन करने के लिए खड़े हैं? क्या हमारे वोटों की गिनती नहीं है? क्या अन्य जाति के लोग एकमत हो सकते हैं, एकजुट हो सकते हैं, तो हमें नहीं होना चाहिए क्या? बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए। हम स्वर्णकार हैं, हम बार बार कहते हैं हम स्वर्णकार हैं। अच्छा। हमें फक्र है और हम सबल हैं, हम सक्षम हैं। क्यों बताते हैं? ये गर्व की बात है, घमंड की बात नहीं। गर्व और घमंड में फर्क है। हम पढ़े लिखे भी हैं, हम समाज के में इसलिए सम्मानित पदों पर बैठे हैं, हमारा पैसा सम्मानित है, पर राजनीतिक लोग हमें चोर बताते हैं। 411 की जो धारा लगाते हैं, हमारे स्वर्णकार बंधुओं को उठा के पुलिस बंद करती है। आप अपना घर का सामान खरीदते बेचते और रखते हैं, और फिर हमारे ही स्वर्णकार को आप उठा के लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? क्यों लेके जाते हैं? आपके माथे पे लिखा है क्या कि आप घर के चोरी का सामान लाकर इनको बेच रहे? क्यों लेके जाते हैं? धारा 411 खत्म क्यों नहीं होती?
हमारे स्वर्णकारों की सुरक्षा क्यों नहीं होती? ये राजनेता इन बातों को क्यों नहीं उठाते? किसी भी पार्टी का, पार्टी किसी की भी हो, हमारा समाज अगर पुलिस से प्रताड़ित होता है तो उसकी सुरक्षा क्यों नहीं होती? इसको कौन बात उठाएगा? मीडिया कहाँ? मैं तो पूछ ही रहा हूँ, आप बताइए। बता रहा हूँ आपसे, ये पहला प्रश्न। राजनीतिक एक मंच पर हम इकट्ठा क्यों होना चाह रहे? हमारी जनसंख्या आपने बहुत कम देखी, अभी जो गांव में हमारे समाज के लोग हैं उनकी जनसंख्या अभी आई नहीं। आप देखिए कि जब आप जाति के आधार पर जनगणना की बात करते हैं तो क्या ओबीसी में हमारी अपनी हैसियत नहीं है? है ना, जब ओबीसी में हमारी हैसियत है स्वर्णकारों की, तो वोट जब पड़ते हैं आप निर्वाचित होकर अन्य जातियों के लोग मेरे नेता बन जाते हैं, तब वो लौट के हमारे स्वर्णकारों के पास आके पूछते हैं क्या? नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते? वोट मेरा, चंदा मेरा, धन दौलत ताकत मेरी और मैं ही किनारे। इसलिए इन आयोजनों के जरिए हम अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। अच्छा सर, मेरा बहुत ज्यादा खत्म कर रहे हैं, थोड़ा सा हम सवाल करना चाहेंगे। आयोजनों के जरिए हम इकट्ठा होना चाहते हैं, हम इकट्ठे हैं, राजनीतिक परिवेश में इकट्ठे अब दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जब आपकी पूरी व्यवस्था सिर गिनके है तो हमारी भी व्यवस्था सिर गिनके होगी। हम सबल हैं, हम सक्षम हैं, हम ताकतवर हैं, हम धनवान हैं, हम चंदा देते हैं, दूसरी पार्टियों को देते हैं, तो हमारे समाज के लोग आगे क्यों नहीं निकलेंगे? उनकी दावेदारी क्यों नहीं होगी? वो पार्षद क्यों नहीं खड़े होंगे? वो अध्यक्ष क्यों नहीं खड़े होंगे? वो विधायक के लिए क्यों नहीं खड़े होंगे? आप क्यों नहीं सुनेंगे? नहीं, पूरे देश में अब जो है कि पूरे देश में सब लोग जातिवाद को लेकर लड़ रहे हैं। आप अपने जातिवाद को, ठाकुर जी अपने जातिवाद को, पंडित अपने जातिवाद को, लेकिन बात कोई हिंदूवादी नहीं करता है। उस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। जिस दिन सब लोग जातिवाद बंद कर देंगे, हम सबसे पहले जातिवाद बंद कर देंगे। अच्छा, जब तक बाकी लोग जातिवाद नहीं बंद करेंगे, हम अपने अस्तित्व को बर्बाद नहीं होने देंगे। अगर मेरा अस्तित्व मेरी जाति को बताने से है, अगर मेरा अस्तित्व मेरी जाति को बताने से है, तो हम बड़े फक्र से बोलेंगे हम सुनार हैं, हम सुनार हैं, हम सुनार हैं, हम सुनार हैं। बड़े गर्व से कहिए हम सुनार हैं। जिंदाबाद। जातिवाद रुकना चाहिए कि नहीं रुकना? जरूर रुकना चाहिए। मैं पढ़ा लिखा हूँ, बता तो रहा हूँ आपको। क्या आप हमसे ज्यादा पढ़े लिखे होंगे? नहीं, मैं सिविल हूँ, मैं 3 MTech हूँ, IIT से मैं MBA हूँ, मैं LLB हूँ, मैं डिप्लोमा फ्रेंच जर्मन रशियन हूँ, मैं एक यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार हूँ 26 साल से उत्तराखंड में। आप हमसे ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं होंगे ना? नहीं नहीं, ये नहीं। अन्यथा मत लीजिए, अन्यथा मत लीजिए प्लीज। मुझे बातों में उलझाने पुलझाने फंसाने की कोशिश मत करिए। मैं रोज मीडिया चैनल देखता हूँ। मेरी पहली नौकरी कमिश्नर रैंक की है, 26 साल से मैं चीफ सेक्रेटरी रैंक पर खड़ा हूँ। मतलब की बात करिए, आपकी सम्मान क्यों जातिवाद नहीं, क्यों नहीं? बिल्कुल खत्म होना चाहिए, परंतु कब? आप सब बंद कर दीजिए। ब्राह्मण जी अपना जातिवाद बंद कर दे, ठाकुर साहब अपना जातिवाद बंद कर दे, पटेल जी अपना जातिवाद बंद कर दे, यादव अपना जातिवाद बंद कर दे, हम बंद कर देते हैं। जब सब जातिवाद में है तो हम अपने वर्चस्व को बर्बाद होते देखेंगे? क्यों देखेंगे? हमारी राजनीतिक चेतना अब उठी है, हम अभी आगे बढ़ेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।